बीकापुर में दो अलग अलग गांव में हुई आगजनी में हजारों का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगी, दो किसानों की 3 बीघे गेहूं फसल और गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। शाम 4 बजे धूप कम होने पर एक बार फिर मतदान की गति तेज हुई, जो मतदान समाप्ति तक जारी रही। यूपी के बुलंदशहर में शादी समारोह में भाग लेने आए 5 युवक गंगा के तेज बहाव में बह गए। इसमें से 3 युवक किसी प्रकार से तैरकर किनारे आ गए, जबकि 2 युवक गंगा के तेज बहाव में बह गए। हसनपुर के सुखदेव इंटर कॉलेज में कक्षा 6 में बच्चों के एडमिशन के लिए अभिभावकों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि नगर में सुखदेव इंटर कॉलेज में एडमिशन को लेकर बच्चों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। फतेहपुर जिले के लक्ष्मणपुर गांव में ससुराल आए युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। यूपी के मुरादाबाद देहात में बदमाश युवक की हत्या कर मौके से फरार हो गए। युवक की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं मुरादाबाद देहात में डीजे को लेकर वर पक्ष व धू पक्ष से भिड़ गया और देखते ही देखते खुशी का पल जंग में मैदान में बदल गया। हंगामे की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर आई और मामले को शांत कराया। नाम आपका? लक्ष्मी। ये लक्ष्मी, बताइए क्या घटना घटित हुई आपके साथ में? हम बारात चढ़ के आई थी। बारात कहाँ से आई थी? मुरादाबाद। कहाँ पर? मुरादाबाद ही बोला जाता। हाँ, कहाँ पर आई थी बारात? लैन पान मुरादाबाद से कट्टई आई। यहाँ क्या हुआ आपके साथ में? बारात में बारात चढ़ के आई थी, डीजे पे बराती डांस करने गए थे। लड़की वाले तरफ से मन मार पिटाई कर दी थी। उनसे यह कहना था कि बरातियों को रोक लेते तो हम बराती रोक लेते अपनी तरफ से। उन्होंने डंडे हद्दे बेल्टे बहुत मारी थी। भाई के बहुत चोट आई थी। जी, जो चोट लगी है किसके लगी है? कौन भाई है मेरा? अच्छा भाई है। 100 नंबर से फ़ोन करा तो वो चले गए थे। क्या 100 नंबर ने भर्ती कराया था अस्पताल में? हाँ। क्या बोल के गए 100 नंबर? उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो भर्ती करवा के चले गए। ठीक है ठीक है। आप क्या चाहते हैं? वही उधर वालों को करना चाहिए कुछ भी कार्रवाई चाहते हैं। यूपी का अयोध्या जिला एक बार फिर रामैया होने की तैयारी में है। चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अयोध्या जिले में होंगे। ग्वालियर में 10 दिन के बच्चे को गड्ढे में दफनाकर भाग रहे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ में जुट गई। यूपी के रामपुर में जमीनी विवाद के चलते भाई ने भाई की हत्या कर दी और शव को पेड़ से लटका दिया। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये इन दोनों भाइयों में विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद बड़े भाई और उनके बच्चों ने मिलकर के इनको मार दिया था। इसके संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और जाँच की जाएगी। मुरादाबाद के गांव दलपतपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसी बात को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बिजली घर दलपतपुर में तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। मेरठ में बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर कल्लन को गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कल्लन को अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन में यह घटना हुई है।